आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के अटल में किचन में हम बनाने वाले हैं एग चिली। बट आपने जितने भी एग चिली देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि वो फ्राई करके बनते हैं, बॉयल एग को फ्राई करके बनाया जाता है। बट हम यहाँ पे वैसे नहीं बनाएंगे क्योंकि हम केटल में किचन में सिंपल तो कुछ करते नहीं है, हम हर बार कुछ अलग ही करते हैं ना। तो इस बार एग चिली हम अपने तरीके से बनाएंगे, एकदम अलग स्टाइल। चलिए देख लेते हैं एग चिली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। चलिए बनाते हैं एग चिली एकदम हटके स्टाइल, केटल में किचन स्टाइल। एग चिली बनाने के लिए हम सबसे पहले एग को स्टीम करेंगे। मोस्टली लोग बॉयल एग से बनाते हैं बट हम यहाँ पे स्टीम करके बनाएंगे एग को, ताकि जैसा पनीर चिली का टेक्सचर आता है वैसा ही टेक्सचर आए एग चिली का भी। तो ये टू एग्स हमने लिए, इन्हें हम ब्रेक कर देंगे। इसको अच्छे से विस्क करेंगे। इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। थोड़ा ब्लैक पेपर डालेंगे। ये हमारे पास मिल्क है, आप मिल्क या क्रीम यूज कर सकते हैं ताकि ये और फ्लफी बने। तो ये हमारे पास मिल्क है, छोटी सी कटोरी में मिल्क लिया है, करीब 30 ml मिल्क है ये। ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से विस्क करेंगे करीब 4 मिनट्स तक। जब तक हम ये विस्क करेंगे तब तक हम स्टीमर भी रेडी कर लेते हैं साइड में। केटल को ऑन करेंगे, उसमें पानी डालेंगे हम करीब 1 ग्लास। ये स्टैंड है जो केटल के साथ ही आया था, ये हम इसमें रख देंगे और इसे ढक के स्टीम होने देंगे और इसको हम विस्क कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो एग हमारा स्टीम होके आया है वो एकदम पनीर के क्यूब्स की तरह हम उसे कट कर सके। तो हमारे एग जो है वो अच्छे से विस्क हो गए हैं। अब हम एक बोल लेंगे, ये बोल हमने लिया है जो केटल के साथ ही आया था। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ग्रीस कर देंगे हम इसे ऑयल से। और ये जो एग हमने विस्क करके रखा है ये हम इस बोल में डाल देंगे। हमारा स्टीमर जो है वो रेडी हो चुका है, ये एग वाला बोल हम इसके अंदर रख देंगे। इसको ढक के 5 मिनट्स तक स्टीम होने देंगे। तो 5 मिनट्स हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं हमारा एग जो है वो स्टीम हो गया है कि नहीं। ये प्रॉपरली स्टीम हो गया है, केटल को ऑफ कर देंगे और इस बोल को बाहर निकाल देंगे। तो हमारा एग जो है वो एकदम प्रॉपरली स्टीम हो गया है, इसे हम साइड रख देंगे। अब हम चिली एग की तैयारी कर लेते हैं। एग चिली बनाने के लिए हम सबसे पहले केटल को ऑन करेंगे। इसमें 2 से 3 स्पून ऑयल डालेंगे, ग्रीन चिली हमने कट करके रखी है ये हम इसमें डाल देंगे, जिंजर और गार्लिक हमने कट करके रखा है ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। ये हमारे पास डाइस अनियन कट करके हमने रखे हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। कैप्सिकम कट करके रखा है हमने, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 1 कैप्सिकम और 1 अनियन लिया है हमने। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जले ना। सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। ये हमारे पास सोया सॉस है,
करीब एक चम्मच ये हम एक बोल में डालेंगे। विनेगर है एक चम्मच, वो भी हम एक बोल में डालेंगे। कश्मीरी रेड चिली है, ये भी इसमें डाल देंगे। वैसे तो चिली पेस्ट यूज होता है इसमें, बट चिली पेस्ट हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने रेड चिली ली है। ब्लैक पेपर डाल देंगे इसी में, और इस मिक्स को हम इसमें डाल देंगे। केटल को ऑफ कर देंगे और इसे ढक देंगे 2 मिनट्स के लिए, ताकि ये स्टीम से पक जाए। जब तक ये स्टीम से पक रहे हैं, तब तक हम इस एग के क्यूब्स कट कर लेते हैं। तो एग हमारा इजीली निकल आया, स्टीम्ड एग हमारे। अब हम इन्हें क्यूब्स में कट कर लेंगे। आप इसको प्रॉपर शेप देने के लिए इसके साइड्स कट कर सकते हैं, बट मैं इसे नॉर्मली ऐसे ही कट कर रही हूँ, ताकि कुछ भी वेस्टेज ना हो। देखिए एकदम पनीर के जैसा बना है। लोग इसे फ्राई करके डालते हैं, बट हम यहाँ पे फ्राई करके नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एग इतनी हेल्दी चीज़ है, उसको अगर हम फ्राई कर देंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सारी ख़त्म हो जाती है। तो हम इसे ऐसे ही डालेंगे। केटल को हम ऑन कर देंगे। ये हमारे वेजिटेबल्स जो हैं वो कुक हो गए हैं अच्छे से। ये एग्स जो हमने कट करके रखे हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखने में एकदम पनीर चिली जैसा लग रहा है, बट है ये एग चिली। केटल को ऑफ कर देंगे। तो हमारा एग चिली बनके रेडी है, इसे अब हम प्लेट में निकालेंगे। ये हमारे पास धनिया के स्टेम है, जो धनिया आता है मार्केट में, उसके हमने स्टेम निकाल के रखे हैं। छोटा छोटा हमने चॉप करा है इसे, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया हमने। ये हम इस पर गार्निश करेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप उसकी गार्निश भी कर सकते हैं, बट मेरे पास वो है नहीं, इसलिए मैंने ये डाला है। तो हमारे एग चिली रेडी है। तो हमारा एग चिली बनके रेडी है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ड्राई एग चिली हमने बनाया है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि हमने इसे फ्राई करके नहीं बनाया है, और टेस्टी तो है ही। तो खाते रहिए, खिलाते रहिए, मुझे बताते रहिए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे केटल की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव, ईट हेल्दी फूड, ईट लॉट्स ऑफ फूड। बाय बाय।